काफी अरसे से इस प्रोग्राम में हमाद सिद्दीकी की बात हो रही थी, तो पहले उस हवाले से एक क्लिप सुन लेते हैं। ये बल्दिया टाउन के अंदर जो 250 इंसानों को जलाया गया, अब 250 इंसानों को जलाया गया, उसके बाद भत्ता मांगा गया था जी। एक जमात ने मांगा भत्ता, उनको भत्ता नहीं मिला, उन्होंने आग लगा दी फैक्ट्री को, आग लगा दी, लगाने के बाद खत्म नहीं हुआ, उनको उठा के जो उसके मालिकान थे उनको जेल में डाल दिया, और खबर ये चलवाई कि ये तो मांग रहे थे, इनको चाहिए था इंश्योरेंस, इसीलिए इन्होंने खुद आग लगाई है, ऐसे ही हुआ था ना। उसके बाद उनके मालिकान से कहा गया कि तुम ऐसा करो कि अब जो उनके लवाहिकीन है, लवाहिकीन बेचारे, उनको पैसा अनाउंस करो उनके लिए, लेकिन कंडीशन ये होगी कि पैसा दोगे तो फैक्ट्री मालिकान, लेकिन अनाउंस हम करेंगे, चेक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैसा हमें दोगे तो अनाउंस आगे हम करेंगे। उन्होंने से पैसा लिया लवाहिकीन को देने के लिए, ओके, वो फी शख्स जो है जिस जो के जांबाग हो गया था, शहीद हो गया था, उसमें 2.5 लाख रुपए सिर्फ उसके लिए जी। और जो जख्मी था उसके लिए 1 लाख, और रकम की पहली किस्त ले ली इन्होंने 5,98,80,000 रुपए, और ये चली गई बैंक अल हबीब में सदीक हसन कादरी के अकाउंट में जी। जेआईटी की रिपोर्ट बता रही है सदीक हसन कादरी के अकाउंट में चली गई बैंक अल हबीब में, ये पैसा चला गया सारा। उसके बाद जनाब क्या हुआ, उस पैसे से क्या हुआ, लोग तो चले गए, अब उनके अहले खाना के लिए अनाउंस हुआ कि हम आपको पैसे देंगे, वो जो पैसा लिया दिया जो कि सियासी जमात ने अनाउंस कर रहा था लेकिन दिया फैक्ट्री के मालकान नहीं था, उसके बदले में उनको रिहा करके मुल्क से बाहर दौड़ा दिया गया। और वो जो पैसा लिया गया, अब जरा अंदाजा लगाए जुल्म और बर्बरीत का, उस पैसे को भी खा गए। उस पैसे से अली हसन नाम का एक बंदा है, उसके वालिद के अकाउंट में वो पैसा चला गया, और फिर उसके बाद वहां पर कादरी करके एक साहब है और एक है डॉक्टर अब्दुल सत्तार, उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और पैसा उसमें डाल के, और एक खातून के नाम पे वहां पे वो बहुत बड़ी रिहायशगाह तामीर हुई, वो रिहायशगाह इस वक्त बंद पड़ी हुई है, खाली है, उसको डेकोरेट वेकोरेट करके आलीशान सा महल बना हुआ है वहां पे। ये उन इंसानों के खून की कहानी है, खून की कीमत है जो कि बल्दिया साने बल्दिया की जीआईटी है जिसको मंजरे आम पे नहीं लाया जा रहा। ठीक है, आग लगाई गई, आग लगाने के बाद मालकान को अंदर डाला गया, फिर उनसे पैसा लिया गया दो दफा, पहले धमकी दी गई वाकई ले लिया गया, फैक्ट्री को आग लगा। अब वो मालकान जो है, एक उनमें से खलीजी रियासत में बैठा था, एक अमरीका वगैरह में बैठा था, वो आया तो उसने कहा शायद मुझे इंसाफ मिल रहा है, वो दुबई आया, उन्होंने अपनी पूरी जाने अपनी हथेली पे रख के उन्होंने ये जीआईटी बताई है जी। डॉक्टर साहब, और हमाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद फारूक सत्तार साहब ने तरदीद की कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान से। हमाद